नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि आपको बता रहे उज्जैन से, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कांग्रेस पर कटाक्ष। मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर कटाक्ष। कांग्रेस नेता चुनाव यहां लड़ रहे, समर्थन पाकिस्तान का कर रहे। पाकिस्तान से आपका क्या लेना देना, इतना पसंद है तो पाकिस्तान में जाकर चुनाव लड़े। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है मणिशंकर अय्यर को लेकर। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता चुनाव यहां लड़ रहे, समर्थन पाकिस्तान का कर रहे। देश में हम तो धर्म की नगरी में खड़े हैं, लोग समझने को तैयार नहीं कि भाई अब आप कौन सी दुनिया में हो। एक मुहावरा है, रस्सी जल गई, और मैं समझता हूं कि इसको समझने के लिए इशारा काफी है। उनके इन्हीं भाषणों के कारण से देश का चुनाव, भाजपा का चुनाव प्रदेश में, देश में लड़ने की बात करेंगे, और पाकिस्तान से समर्थन लेते ही समझ में नहीं आया पाकिस्तान के समर्थन से भारत में कब जीतेंगे। आज भी जब भी देखो तब किसको कहते, किसकी पूछ उसमें रखो और वापस टेढ़ी हो जाती है, बोलते भी अच्छा नहीं लगे लेकिन मानते ही नहीं है। जब देखो तब मणिशंकर अय्यर कह रहे पाकिस्तान, अरे भैया पाकिस्तान से तुम्हारा क्या लेन देना, इतना ही पसंद है तो पाकिस्तान में जाके चुनाव लड़ो, हिंदुस्तान से क्या लेने देना है। हिंदुस्तान में चुनाव लड़ रहे हो ना, लेकिन हिंदुस्तान में चुनाव लड़ेंगे। ये उसी प्रकार की नादानियां करते जो लगातार काल के प्रवाह में लगातार पाकिस्तान ने देश को अस्त व्यस्त किया था, लेकिन अब बदलते दौर का हिंदुस्तान है और बदलते दौर के हिंदुस्तान के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री G20 की अध्यक्षता करते हैं और विश्व के सब धनी देश मोदी जी के साथ अपनी सेल्फी खिंचाने के लिए आगे पीछे घूमते हैं, तो यहाँ सब 56 इंच के सीने वाले हो जाते हैं भारतवासी। यह आनंद हमारे सामने आता है।